हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले क्लास 10 मैथ सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया है फॉर बेसिक, और हम लोग सेक्शन सी सॉल्व करने वाले हैं। हम लोगों ने 11th और 12th क्वेश्चन सेक्शन सी का प्रीवियस सेशन में डन कर लिया था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करते हैं जो केस स्टडी बेस्ड है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेटअप हम लोग कर लिया है यहाँ पे, चलिए। यस, क्वेश्चन है, अ लाइट हाउस इज अ टॉल टावर विद लाइट नियर द टॉप। लाइट हाउस एक लंबा टावर होता है जिसके टॉप के पास लाइट होती है। दीज आर ऑफन बिल्ट ऑन आइसलैंड, ये आइसलैंड पे कोस्ट किनारों पे या चोटियों पे बनाए जाते हैं। लाइट हाउसेज ऑन वाटर सरफेस एक्ट एज अ नेविगेशनल एड टू द मैरिन्स एंड सेंड वार्निंग टू बोट्स एंड शिप्स फॉर डेंजर्स। वाटर सरफेस पे जो लाइट हाउस होते हैं वो एक नेविगेशनल यानी कि डायरेक्शन बताने में आपको हेल्प करते हैं और मैराइंस के लिए, और वार्निंग भेजते हैं बोट्स को, शिप्स को, कि आगे खतरा है या फिर किस चीज के लिए। वो मतलब आपको असाइनमेंट करते हैं। इनिशियली वुड कॉल वुड बी यूज्ड एज इल्यूमिनेटर्स। स्टार्टिंग में पहले लकड़ी या कोयले को जलाकर मतलब मैसेज प्रोवाइड किया जाता था। ग्रेजुअली धीरे धीरे इसको रिप्लेस किया गया कैंडल से, लालटेन से, इलेक्ट्रिक लाइट से, और आजकल दे आर रन बाय मशीन एंड रिमोट मॉनिटरिंग, और मशीन और दूर से मॉनिटरिंग की जाती है। प्रॉन्ग्स रीफ लाइट हाउस ऑफ मुंबई वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1874-75। तो मुंबई का जो रॉन्ग रीफ लाइट हाउस है वो 1874-5 में बिल्ट किया गया। इट इज अप्रोक्सीमेटली 40 मीटर हाई, इसकी हाइट दे दी है 40 मीटर, एंड इट्स बीम कैन बी सीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, और इसकी जो बीम है वो 30 किलोमीटर के डिस्टेंस तक देखी जा सकती है। अ शिप एंड बोट आर कमिंग टूवर्ड्स द लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। एक शिप और एक जो बोट है वो लाइट हाउस की तरफ आ रही है अपोजिट डायरेक्शन से। अपोजिट का मतलब एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्लैश लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस टू द बोट एंड द शिप आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। जो डिप्रेशन है एंगल्स वो आप लोगों को दिए हुए हैं, बोट का 30 डिग्री है और शिप का 60 डिग्री है। तो इसका मतलब ये आपकी शिप है और ये आपकी बोट बनाई हुई है। चलिए, विच ऑफ द टू बोट और शिप इज नियर टू द लाइट हाउस। बोट और शिप में से कौन सा जो है लाइट हाउस के नजदीक है? ओके, तो हमें पता है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा होता है वही चीज ज्यादा नजदीक होती है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे फिगर बना लेते हैं पहले। ओके, तो फिगर के अकॉर्डिंगली दिस इज द लाइन, ये एक लाइन हो गया है, और दिस इज लेट मी से टावर, और ये आपके एंगल्स बनाएंगे हम लोग। तो और हमें गिवन है तो ए बी सी डी, तो दिस इज ए बी सी एंड डी, 30 डिग्री 60 डिग्री। सो दिस इज योर 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, और हमें पहले तो ये बताना है कि दोनों में से कौन नजदीक है। दिस इज 40 मीटर, ये 40 मीटर की हाइट है दी हुई है। चलिए, हम लोग क्या लिखेंगे, एज एंगल ऑफ डिप्रेशन
और 60 डिग्री का एंगल किसके लिए बनाया हुआ है इन्होंने, शिप के लिए। तो जो शिप है वो नजदीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर शिप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोट, सो शिप इज नियरर टू टावर। तो या लाइट हाउस कह सकते हैं अपन, तो लाइट हाउस के नजदीक है। तो जो शिप है वो लाइट हाउस के नजदीक है क्योंकि इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बड़ा है। जो जिसका एंगल डिप्रेशन बड़ा होता है वो चीज उतनी ही नजदीक होती है। चलिए ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के में भी एक और पूछा हुआ है इन्होंने, फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम लाइट हाउस। लाइट हाउस से कितना डिस्टेंस है वो हमें पता करना है। दिस इज बोट एंड दिस इज शिप। तो हमें क्या फाइंड करना है, बीसी डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ टावर, टावर बोल दो या फिर लाइट हाउस एंड बोट, ये हमें पता करना है। और हमारे पास जो एंगल ए सी बी है, इसको आप एक्सलेट कर लेते हैं, वो एक्स ए सी के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। उसके बाद है ए बी, ए बी जो है वो लाइट हाउस की हाइट है, दैट इज इक्वल टू 40 मीटर है। अब एंगल एबीसी जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इन ट्राइंगल एबीसी में हम लोग बात करेंगे। एबीसी ट्राइंगल में हमें टेन थीटा यूज करेंगे क्योंकि ए बी हमें पता है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और बी सी हमें पता करना है क्योंकि एंगल सी पे बना हुआ है, तो बी सी बेस हो गया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा है 60 डिग्री, ये वाला परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी सी। ए बी है 40 और बी सी हमें नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी सी इज इक्वल टू 40/√3 मीटर आ जाएगा, और अपन इसको रेशनलाइज कर लेंगे। तो 40/√3, तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 40√3/3 मीटर। तो ये आ गया है बीसी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द टावर। तो ये हमारा आंसर आ गया पहले पार्ट का। आंसर मिला लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं कि क्या सही है। यस, शिप इज नियर टू द लाइट हाउस, बिल्कुल पहला सही है, 40√3 बिल्कुल सही है। तो 13 का फर्स्ट पार्ट जो है वो डन हो गया है और वो बिल्कुल हमारा सही आया है। सेकंड पार्ट देखिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस इफ इट इज मूविंग एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमें टाइम बताना है कि बोट को लाइट हाउस तक पहुंचने में कितना लगेगा अगर उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बोट की बात की है, नहीं बोट की नहीं, सॉरी, ओके ओके ओके, यहाँ पे ये आपका शिप था और ये आपका बोट था। दिस वॉज योर शिप, दिस वॉज योर बोट, ठीक है। चलिए बोट का हमें पता करना है कि उसको कितना टाइम लगेगा लाइट हाउस तक पहुंचने में,
और सबसे पहले तो हमें फिर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस होगा तभी स्पीड के साथ डिवाइड करके वी कैन फाइंड द टाइम। तो यानी कि हमें सबसे पहले बीडी पता करना है। चलिए पहले बीडी पता करेंगे, और बीडी पता करने के लिए सेम यही चीज करेंगे जो अभी हम लोगों ने की है बीसी फाइंड करने के लिए। चलिए तो हम लोग यूज करेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में एंगल ए बी डी जो है वो 90 डिग्री का है, इसको वायलेट कर लो। एंगल वाई ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, दैट इज 30 डिग्री। उसके बाद हम लोगों को गिवन है ए बी दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ लाइट हाउस 40 मीटर, और हमें फाइंड करना है पहले तो बी डी डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड बेस ऑफ लाइट हाउस। चलिए तो टैन थीटा यूज करेंगे, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी डी। टैन 30 की वैल्यू 1/√3 है। ए बी कितना है 40, और बी डी हमें नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, 40√3 मीटर के आंसर आ जाएगा। तो ये आपका बी डी आ गया। अब बी डी आ गया यानी कि डिस्टेंस आ गया है। अब हमें पता करना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस है 40√3 मीटर, और स्पीड जो दी हुई है वो दी हुई है आपको 20 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट थ्री की वैल्यू पुट कर देंगे 1.73, क्योंकि तभी प्रॉपर टाइम निकल के आएगा। किलोमीटर के मीटर बनाने जरूरी है, क्योंकि ये मीटर है ये किलोमीटर है, तो किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000, तो 20,000 बन गया। पर आवर, 1 आवर में कितने सेकेंड हो गया 3600, तो पर आवर है तो यानी कि 3600 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मैं कैलकुलेटर से यूज करता हूँ, यहाँ पे 3 0 तो डायरेक्टली कट जाएंगी, 4 × 5 भी कट जाएगा, तो 36 × 1.73/5, सो आई एम गेटिंग 12.456 सेकेंड। तो ये मेरा आंसर आ गया। ओके चलिए आंसर में आ लेते हैं। इतने टाइम में जो आपकी बोट है वो पहुंच जाएगी बेस पे लाइट हाउस। 40√3 बिल्कुल सही आया है। ओके मिनट्स में आंसर निकाला हुआ इन्होंने, चलिए मिनट्स में निकाल देते हैं। मिनट्स में निकालने के लिए जो सेकंड में आंसर आया उसे 60 से डिवाइड कर दे, तो आई एम डिवाइडिंग बाय 60, तो आई एम गेटिंग 0.207 मिनट्स। ओके चलिए चेक कर लेते हैं, 0.2.076, 1 मिनट, 1 0 का फर्क आ रहा है, चेक करना पड़ेगा। 0.20, ओके 1 0 का है, लेट मी चेक द कैलकुलेशन। 20,000, ओके ये तो बिल्कुल सही आ रही है, यहाँ पे देखते हैं। ओके इन्होंने 2000 लिया हुआ है। ओके यस 20,000 आना था, इन्होंने 2000 लिया हुआ है। 20 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 बनेगा, लेकिन इन्होंने 2000 लिखा है, इसीलिए इनका आंसर 2 point something आया है, जबकि 0.2 इज द राइट आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 डन हो गया है, दोनों पार्ट्स हमारे ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 वी विल डू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।